हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फूड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं RTGS और NEFT के बारे में, डिफरेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, ये दोनों मनी ट्रांसफर के तरीके हैं और ये बैंक के द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं, यानी कि जो RTGS और NEFT दोनों जो है बैंक के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। RTGS और NEFT एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जो है अपने बैलेंस को या मनी को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RTGS और NEFT के बारे में। तो RTGS में 2 लाख से ऊपर की जो लिमिट होती है वो RTGS के रूप में जाती है, यानी कि अगर आप 2 लाख से ऊपर अपने अकाउंट से किसी अदर अकाउंट पर ट्रांसफ़र करते हैं तो RTGS के थ्रू आप कर सकते हैं इसमें। और NEFT में, अगर NEFT में क्या होता है, जो स्मॉल लिमिट में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो NEFT के द्वारा करते हैं, यानी 2 लाख से कम अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप NEFT द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, RTGS में हमारा ग्रॉस सेटलमेंट होता है और NEFT में हमारा नेट सेटलमेंट होता है। इसीलिए इसका जो RTGS का जो पेमेंट होता है वो तुरंत होता है, यानी कि इमीडिएट सेटलमेंट होता है, और NEFT में 2 घंटे का मिनिमम समय लगता है। RTGS कॉस्टली, RTGS में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन फीस होती है कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें अमाउंट जो होता है लंबा होता है, यानी कि 2 लाख से ऊपर का होता है, और इस वजह से इसकी कॉस्टली फीस जो होती है कॉस्टली होती है। जबकि NEFT में अमाउंट कम होता है तो इसमें जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन इसमें 2 घंटे या 2 घंटे से लमसम का समय लगता है। अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो NEFT बैचेस के साथ डन करती है, यानी कि ट्रांसफ़र करती है, इस वजह से ये स्लो होती है। RTGS रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है, यानी तुरंत ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसका ट्रांसफ़र टाइम फास्ट होता है। अगर हम एकॉनम की बात करें तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फ्रेंड फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर हम वीकडेज की टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो NEFT का जो टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, और शनिवार को होता है सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। यहाँ पे RTGS का टाइमिंग होता है 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और शनिवार को 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और संडे को क्लोज रहता है। तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो लिमिट होती है NEFT में, कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है, और जहाँ पे RTGS में जो होता है 2 लाख से ऊपर की लिमिट होती है। हाँ, और मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट अगर हम बात करें तो इसमें कोई NEFT में कोई लिमिट नहीं होती है, और RTGS में भी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट के बारे में बात करें तो इसमें जो है बैंक्स के बीच में जो है अवर्ली का समय लगता है, यानी कि NEFT में 2 घंटे का मिनिमम समय लगता है। RTGS में समय बहुत ही कम लगता है, क्योंकि बैंक टू बैंक तुरंत ट्रांसफ़र करता है, जबकि NEFT में बैच के द्वारा ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, जो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो इसमें चार्जेस लगते हैं NEFT में, 10,000 से अगर आप अपने अकाउंट से किसी अदर अकाउंट में 10,000 से नीचे ट्रांसफ़र करते हैं तो 2.5 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं। 10,000 एक से लेके 1 लाख तक 5 रुपये कटते हैं, 1 से 2 लाख के बीच में 15 रुपये कटते हैं, और 2 लाख से अबव अगर आप करते हैं तो 25 रुपये कटते हैं NEFT में। हाँ, और RTGS में क्या होता है, RTGS में 2 से 5 लाख के बीच में करते तो 25 से 30 रुपये, 50 से 55 रुपये कटते जब आप 5 लाख से ऊपर ट्रांसफ़र करते। तो कहने का मतलब NEFT और RTGS में ये डिफरेंस होता है कि NEFT में अगर आप 2 लाख से ऊपर पर अगर ट्रांसफ़र करते तो 25 रुपये लगते, जबकि 2 से और RTGS जबकि 2 से 5 लाख के बीच में ट्रांसफ़र करते तो 25 से 30 रुपये के बीच में आता है। बेनिफिशियल क्या है कि NEFT जो यूज़ किया जाता है वो स्मॉल मनी ट्रांसफ़र के तौर पर यूज़ किया जाता है, जनरली लोग हज़ारों में ट्रांसफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और RTGS लार्ज मनी ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए RTGS की फीस ज़्यादा होती है और NEFT की फीस कम होती है। ध्यान रखिएगा, NEFT स्मॉल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है और RTGS लार्ज मनी ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है। तो NEFT में फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो और एक होता है इसके अलावा IMPS, जिसे कहते हैं इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस या इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इसमें मिनिमम अकाउंट NEFT में होता है 1 रुपये, RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपये, और इंटरनेट मोबाइल पेमेंट सर्विस में नॉट एप्लीकेबल। मैक्सिमम अमाउंट NEFT में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 10 लाख रुपये, RTGS में भी आप 10 लाख रुपये, और मोबाइल सर्विस से 5 लाख रुपये तक आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीकडेज
میں نے آپ کو بتایا تھا این ایف ٹی میں 8 بجے سے 6:30 بجے تک، اور آر ٹی جی ایس میں 9 بجے سے 4:30 بجے تک، اور موبائل پیمنٹ سروس میں 24x7 یعنی 2400 گھنٹے۔ سیٹرڈے کا ٹائمنگ 8 بجے سے 1 بجے تک، اور آر ٹی جی ایس کا ٹائم 9 بجے سے 1:30 بجے تک، اور موبائل بینکنگ میں 2400 گھنٹے۔ ٹرانزیکشن اسپیڈ این ایف ٹی کی سلو ہوتی ہے، آر ٹی جی ایس کی فاسٹ ہوتی ہے، اور انٹر بینک موبائل پیمنٹ سروس کی بھی فاسٹ ہوتی ہے۔ ٹرانزیکشن پروسیس این ایف ٹی بیچز کو یوز کرتا ہے، آر ٹی جی ایس ریئل ٹائم کو یوز کرتا ہے، اور آئی ایم پی ایس بھی ریئل ٹائم کو یوز کرتا ہے۔ تو تھینک یو فرینڈس، یدی آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا، جس سے کہ آپ کو ہمارے آگے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی ہے۔ پلیز سبسکرائب نہ ہو تو